अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ नमाज़ किचन। हम आज अपने किचन में एक न्यू और डिफरेंट सी रेसिपी जो है मैं बताने जा रही हूँ, अंडे और टमाटर की रेसिपी है। बेसिकली ये जो है झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है, आप इजीली इसको एमरजेंसी तौर पे आप बना सकते हैं, नाश्ते में इस्तेमाल करें, दिन के खाने में आप इस्तेमाल करें। इसमें जो इन्ग्रीडियंट इस्तेमाल होंगे उसमें स्पाइसेस नॉर्मली हमारे नमक है, मिर्च है और हल्दी है, क्योंकि ये अंडे की रेसिपी है। इसमें आप स्पाइसेस जो है ना नॉर्मल रखेंगे और अपने इनकी क्वांटिटी के मुताबिक। हरी मिर्च है गार्निश के लिए, हरा धनिया है, टमाटर मैंने 3 लिए हैं। आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा रेड वाले लें, मेरे पास यही अवेलेबल थे और मैंने 3 अंडे लिए हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसकी जो रेसिपी है वो आपको बताती हूँ। बारीक बारीक टमाटर जो है हमने अपने पैन में कट कर लेने हैं। बारीक बारीक टमाटर जो हैं आप इनको कट कर लीजिएगा। ऐसे मैं इनके छिलके अगर आप रिमूव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बॉईल करके लाइट सब बॉईल कर लें और इनके छिलके जो है वो रिमूव कर लें, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल नहीं किए। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने बारीक बारीक जो है इनको काट लिए और इसको अच्छे तरीके से हम ऑयल में फ्राई करेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं और इसमें हम जो हैं अब स्पाइसी जो है वो ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से इसको अपने ऑयल में ही करना है। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं हल्दी, नमक है और रेड चिली ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से दोबारा हम भून लेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारे मसाला जो है वो फ्राई हो चुका है अच्छे तरीके से। अब एग्स जो है मैंने तीनों डिशेस में तीनों अंडे जो अलग अलग निकाले हैं, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, आपको पता है कि अंडे ख़राब भी हो सकते हैं, तो इस वजह से आप जो है ना इसको डायरेक्ट पैन में नहीं डालिएगा, पहले इनको चेक कर लीजिएगा और हर एक को अलग से तोड़ के जो है वो आपने देख लेना। अब इनको हम अच्छे तरीके से मिक्सअप कर देंगे। ये सिर्फ अंडे और प्याज से बनती, अंडे और टमाटर से सॉरी बनती है, इसमें हम प्याज वगैरह जो है वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। देखिए व्यूअर्स, अंडे और टमाटर ने जो है वो अपना ऑयल छोड़ दिया और इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो भुन चुका है। अब आपको मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, हमारी डिश जो है वो बनके तैयार हो चुकी है, अंडे और टमाटर का सालन। आप देख सकते हैं कि इसकी फाइनल लुक जो है वो कैसी है। इसके साथ ही मेरी रेसिपी की जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, दोपहर के खाने में भी अच्छा लगता है तंदूर की रोटी के साथ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ताकि मेरी वीडियो जो है हर वक्त आपको मिल सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।